आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं श्री विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। आर्डनेस फैक्ट्री गोलीकांड, परिजनों के कहने पर आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। अधिकारी को गोली मारने वाले जवान ने 40 घंटे बाद किया आत्मसमर्पण। आयुध निर्माणी कटनी में 10 अक्टूबर को इवनिंग परेड के दौरान हुए विवाद के बाद DSC के कटनी जवान आरोपी सकत सिंह ने JCO अशोक कुमार चिकारा पर इंसास राइफल 5.1 से 4 से ज़्यादा राउंड फायर कर दिया, जिससे मौके पर ही JCO ऑफिसर की मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी आयुध निर्माणी परिसर में ही छिप गया। अधीक्षक ने घटना की सूचना उपरांत पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा की दृष्टि से निर्माणी परिसर के चारों तरफ पुलिस बल एवं सैन्य बल को तैनात कराया गया। आयुध निर्माणी परिसर में छुपे आरोपी से पुलिस अधीक्षक कटनी एवं लेफ्टिनेंट कर्नल OF सुरक्षा कटनी द्वारा उनके मोबाइल नंबर पर बातचीत कर आत्मसमर्पण करने हेतु प्रयास किए गए। भारी मशक्कत के बाद अंत में पुलिस अधीक्षक के द्वारा उसके परिजनों से बातचीत होने के बाद आरोपी ने अपने परिजनों के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी के पास से एक इंसास राइफल, 14 जिंदा कारतूस मैगजीन सहित और 6 खाली कारतूस घटनास्थल से जब्त किए गए हैं। रिपोर्ट राजेश कुमार तिवारी एवं मतीन खान, RPKP इंडिया न्यूज कटनी। इनसे रात में जब फोन पर बात करने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे फोन पर बात करना मना किया और अपने आप को ये रमेश थे कि मैं सुसाइड कर लूँ। पुलिस ने इस मामले को बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया। तत्काल मौके पर SLSP संदीप मिश्रा, CST रघुनाथ जी, पूरी टीम को वहाँ पर भेजा। स्पेशल अधिकारी साहब को भेजा। मेरे द्वारा भी रात भर पूरी घटना पर नजर रखी गई। रात में कई बार उससे बात की गई लेकिन वो बिल्कुल आराम था कि नहीं, मैं सुसाइड करूँगा या कोई आएगा तो उसे भी मैं हानि पहुँचा सकता। कल सुबह से फिर उससे बात शुरू की और उसको धीरे धीरे साइकोलॉजिकल उसको समझाना शुरू किया कि वो अपने आप को कोई सेल्फ अपने आप को फील नहीं करे। उसके बेटे से भी उनकी बात कराई गई, उनकी बेटी से भी बात कराई गई और कम से कम 20-25 बार उनसे मेरी और कर्नल की बात हुई, जिससे भी उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वो होता कि लाइफ बहुत कीमती है, आपकी बेटी की भी अगले महीने शादी है। एक चिंता ये थी कि वो 24 घंटे से ऊपर हो गए थे, आज सुबह 36 घंटे हो गए थे कि वो कब तक सर्वाइव करें। लेकिन पुलिस ने बहुत पेशेंटली इस मैटर को हैंडल किया। साथ में पूरी जो टीम थी जो जबलपुर से कर्नल लक्ष्मण आए थे, कर्नल मानके थे, उनका पूरा सपोर्ट मिला। हम लोगों ने पूरा संजीव की साथ कई बार ये लगा पहले कि वो अपने आप को सरेंडर करेंगे लेकिन फिर एक दम से वो यूटर्न ले लेते थे। तब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि भाई वो 150 मीटर की दूरी पर ही छुपे हुए थे। फिर उसके बाद वो रात को छत पर चले गए थे, छत के बगल में एक सिंटेक्स की टंकी है। दिन में वो जो लेडीज टॉयलेट है वहाँ पर रहे, वहाँ का पानी पीते रहे और साथ में बगल से एक अमरूद का पेड़ है, उन्होंने अमरूद तोड़ के दिया। सुबह तो कल जितना बातचीत के द्वारा, क्योंकि एक जो टाइम होता है वो निकल गया था उनका, फिर कल रात को फिर उनकी बेटी से बात की। उनकी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, बीच में चालू कर रहे थे कि
लेकिन वो दिन भर की जो बातचीत की प्रक्रिया थी परसों रात की जो वो थी उसका काफ़ी असर हुआ और अंततः उनको सुरक्षित जीवित पुलिस सरेंडर कराने में सफल रही। उनके पास से जो इंसास है वो बरामद की गई है, साथ में जो 6 राउंड उन्होंने फायर किए थे वो पुलिस ने पूरे जब्त किए हैं, साथ में जो उनके पास 13 राउंड थे वो भी पुलिस ने जब्त किए। आज उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कल उनको न्यायालय में पेश किया। जो मैंने आपको बताया कि जो नायब सूबेदार थे उनकी ड्यूटी ड्यूटी मनमुटाव चल रहा और परसों के दिन जब रोल कॉल हो रहा था तो इनकी आपस में कुछ स्थिति नहीं होती, एक दूसरे को उन्होंने अटीज किया और एकदम उन्होंने बोला मेरे आगे उन्होंने कुछ देखा था, फिर अंदर गए क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड थे, इनके पास चाबी भी रहती थी कहाँ मैगजीन है कहाँ वेपन है, ये वहाँ से उठ के लाए और उन्होंने चक्का देखो सर घटना के बाद वहाँ कोई आगे थी। इनका जो इंसिडेंट है वो अलग जगह, क्योंकि ये लोग सब आ रहे थे बाकी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए थे, तो पुलिस इसका और जो भी पूछताछ है वो करेगी जो भी तथ्य सामने आएंगे। सर उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई, पूरा उनका जो माना स्थिति थी उसको समझने की कोशिश की गई, सबसे पहले आ गया असल सही थे वो, तो बस यही था कि मुझसे इतना बड़ा ये हो गया किसी की मुझसे हत्या हो गई है अब मैं जी के क्या करूँ, और 500 रास्ते कल तक वो इसी स्थिति इवन अपने बेटे की भी बात नहीं मान रहे थे, वो अपनी बेटी की भी मान, लेकिन पुलिस ने बहुत पेशेंटली हैंडल किया क्योंकि हम लोग जाते तो वो अपने आप को वो खुद कुछ कर सकते थे या किस मेंटल स्टेडी में तो पुलिस के ऊपर या जो हमारे वहाँ साथी थे उनके ऊपर भी वो फायर वायर कर सकते थे। एक्चुअली पहले आर्मी में थे और ये श्रीनगर पर चिनार वहाँ पर इनकी पहुँची, उसके बाद ये जैसे मृत्यु हो गए और यहाँ पर भी काफ़ी